नरकटिया गंज के पोखरा चौक स्थित राजद कार्यालय में प्रखंड कोर कमेटी की बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद ने किया। बैठक में आगामी चुनाव के साथ पार्टी के विस्तार पर चर्चा किया गया। बैठक में एसएसटी के जिला अध्यक्ष मानसरोवर राम ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूर्व में 2022 में प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के संगठनात्मक चुनाव हुए थे, वे ही अपने पद पर बने रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के जारी पत्र पर नरकटियागंज प्रखंड अध्यक्ष मुस्तकीम आलम रहेंगे। पत्र जारी करने के बाद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अमनुल्ला, प्रखंड प्रधान महासचिव कमलेश तिवारी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सगीर अहमद जुन्ना मिया, सुदारामा चौधरी, खुबी प्रसाद कुशवाहा, शेख दाऊद, मोहम्मद इस्लाम, अभिषेक कुमार, मोहम्मद सफरुद्दीन, सतेंद्र राम, गरवरन राम, सुहेल अख्तर के साथ अन्य राजद नेता ने प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। कमेटी की जो बैठक हुई, हम प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री जगता बाबू के चिट्ठी के मुताबिक जो 8 तारीख की चिट्ठी उन्होंने निकाली, सब साथी उस चिट्ठी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के जगता बाबू को धन्यवाद लोग दे रहे हैं कि जो 22 से 25 तक का प्रखंड या पंचायत का चुनाव हुआ, उसको उन्होंने जिन जिन लोगों का नाम चुना गया उसको बरकरार 25 तक रखते हुए आगे के कार्य करने की उन्होंने अनुमति दी है। इसलिए उनको ये चंपारण नहीं, बिहार के हर प्रखंड हर जिला से उनका धन्यवाद लोग दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय लालू जय रामी राष्ट्रीय जनता दल। इनकी तरफ से मुझे